हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 6 नवंबर। 6 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी होगा, काफ़ी सिंपल में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दें ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच जाए। सो लेट स्टार्ट टूडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो सबसे पहले रोज की तरह जो डेली आपको आंसर्स करने होते हैं फ्रॉम क्यूज, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ब्रिज दैट वाज रिसेंटली बिल्ट ऑन रिवर यमुना। तो यमुना नदी पे ये नया जो ब्रिज बनाया गया आपको बताना है इसका नाम क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपको मुझे बताना है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू बाय डायमंड्स। तो कौन सी कंट्री के साथ समझौता हुआ कि हमारा भारत वहां से डायमंड्स खरीदेगा, ठीक है। इन दोनों के आंसर्स आपको मुझे बताना है इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। एंड अब स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें बिकॉज करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी आपका साथ साथ कवर हो रहा है, ठीक है। हर वीडियो के एंड में मैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी ले रहा हूं ताकि इसके साथ साथ आपका ये भी कवर हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखा करें एंड उसके आंसर्स मुझे बताया करें। सो लेट स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑन नवंबर 4 विच प्लेयर ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम वॉज अवॉर्डेड एकलव्य अवार्ड। तो कौन सी इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर हैं तो जिन्हें ये अवार्ड दिया गया एकलव्य अवार्ड, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी लिलिमा मिंस, ठीक है। इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर हैं, इन्हें एकलव्य अवार्ड दिया जाएगा, साथ साथ इसमें 5 लाख का कैश में प्राइज भी दिया जाता है, ठीक है। अब बात आई इसके रिलेटेड जो हॉकी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जो हॉकी टीम की राइट नाउ जो कैप्टन है वुमेन हॉकी टीम की वो है रानी रामपाल, ठीक है। जो एशियन गेम्स में फ्लैग बीर क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम फ्लैग बीर थी रानी रामपाल, ठीक है, वो है। एंड उसके बाद कोच कौन है, कोच हैं शॉर्ट मैरजीन, ठीक है। शॉर्ट मैरजीन इसके इंडियन वुमेन हॉकी टीम के कोच हैं, ठीक है। इंडियन वुमेन की बात होगी, मैन की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैन जो है हमारे इंडियन हॉकी मैन टीम के जो कोच हैं वो हैं जी हरिंद्रा सिंह। एंड वहां के जो कैप्टन है हॉकी मैन में वो हैं मनप्रीत सिंह, ठीक है। इससे पहले अभी हाल ही में वहां के जो पहले कैप्टन होते थे सरदार सिंह, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी। एंड राइट नाउ जो कैप्टन है वो है मनप्रीत सिंह, ठीक है। एंड कोच है हरिंद्रा सिंह। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी लिलिमा मिंस। अब करते हैं सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन है हु वॉन द टाइटल ऑफ पेरिस मास्टर 2018 इन टेनिस इन द फाइनल ऑन नवंबर 4, ठीक है। पेरिस मास्टर 2018 का खिताब किसने जीता, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। तो ये जीता जी ऑप्शन नंबर सी कैरेन खांचोवोक, ठीक है। इन्होंने हराया किसको, इन्होंने हराया जी नोवोक जोकोविक को, ठीक है। नोवोक जोकोविक को इन्होंने हरा के ये 2018 का पेरिस मास्टर टाइटल 2018 का जीत लिया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट देखो जो इंपॉर्टेंट राफेल नाडल रोजर फेडरर नोवोक जोकोविक इनके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में आपने देखा होगा इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूँ इसे नोट डाउन ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में श्योरली आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। देखो जो 2018 का फ्रेंच ओपन 2018 का था वो जीता जी राफेल नाडल ने, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन भी कर लो, ठीक है। 2018 का फ्रेंच ओपन मैन सिंगल्स में राफेल नाडल ने जीता। एंड राफेल नाडल कहाँ के, ये हैं जी स्पेन के, ठीक है। एंड सेकेंड आ गया रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब जीता, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब जीता। एंड ये कहाँ के, ये है जी स्विट्जरलैंड के, ओके। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है नोवोक जोकोविक ने विम्बलडन एंड US ओपन 2018 विम्बलडन एंड US ओपन टाइटल 2018 ये जीता इन्होंने, ठीक है। एंड ये कहाँ के, ये हैं जी सर्बिया के। तो आई होप आपको ये चीज़ें अब क्लियर होगी, नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को पीछे कीजिए फिर से सुन लीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है कैरेन खांचोविक, एंड उन्हें हराया किसको, नोवाक जोकोविक को, ठीक है, पेरिस मास्टर्स। अब करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अननेम्ड क्रॉसिंग ऑन द ब्रॉड गाज रूट इन हाउ मेनी रेलवे जोन्स इन इंडियन रेलवे हैव एंडेड, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन का मतलब क्या है, बेसिकली पहले मैं इसका आंसर बता दूं, देन इसको मैं बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी 12, ठीक है। अननेम्ड क्रॉसिंग देखो अक्सर आपने देखा होगा रेलवे जहां पे ट्रैक होते हैं क्रॉसिंग होती है, ठीक है। हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स मतलब वहाँ से क्रॉस करते हैं, वहाँ से ट्रेन आ रही होती है, वहाँ कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं होता, ओपन होता है, देखते हैं कि ट्रेन नहीं आ रही निकल पड़ो, ट्रेन आ रही है तो रुक जाओ, ठीक है। इस टाइप की ये जो क्रॉसिंग्स होती हैं इस चीज़ को बैन कर दिया गया। टोटल 16 रेलवे जोन्स हैं तो 12 रेलवे जोन्स में इस चीज़ को बैन कर दिया गया बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इनकी वजह से, इन केसेस की वजह से। 130 किलोमीटर अबो से जो ट्रेन जिस ट्रैक पर चल रही होगी सबसे पहले इसे बंद किया गया, 12 रेलवे जोन्स में इसे बंद कर दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये मतलब आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। बात है रेलवे की, रेलवे के रिलेटेड एग्जाम में
पूछा ही जाता है एंड हर बार ही बताता हूँ, अब तो आपको आई होप याद भी हो गया होगा, जो रेलवे राइट नाउ हमारे जो मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल, ठीक है, एंड उसके बाद फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, जॉन मिथाई, एंड पहली ट्रेन कब चलाई गई थी 1853 बिटवीन मुंबई टू थाने, ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखें। एंड रेलवे हमारा इंडिया का ऐसा जोन है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है हमारे इंडिया में। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, तो वर्ल्ड सुनामी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं हर साल, तो ये ऑब्जर्व करते हैं जी 5 नवंबर को, ठीक है, 5 नवंबर को, सिंपल सा आपको याद रखना है। एंड एक और इंपॉर्टेंट डे भी होता है नेशनल आयुर्वेदिक डे, तो नेशनल आयुर्वेद डे भी 5 नवंबर को ही होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट जस्टिस सिटी वॉज डेवलप्ड इन विच स्टेट, तो इंडिया की जो पहली जस्टिस सिटी का निर्माण किया गया था आपको ये बताना है कि कहाँ पे किया था, ठीक है, तो ये किया गया था जी अमरावती में, मतलब आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर क्यूक एंड एफिशिएंट कोर्ट सिस्टम, ठीक है, तो वहाँ पे क्यूक एंड एफिशिएंट कोर्ट सिस्टम का लाया जाए ताकि ज़्यादा से लोगों इंसाफ इजिली मिल जाए, ठीक है, तो ये चीज़ थी, बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, जिसका नाम ही जस्टिस है तो उसके रिलेटेड, जस्टिस के रिलेटेड ही होगा, यानी अमरावती में बनाया गया, ठीक है। अब बात है इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पढ़ लेते, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, वहाँ के जो सीएम एन चंद्रबाबू नायडू एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं ESL नरसिम्हन, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस द ग्रांट ऑफ स्मार्टफोन्स टू 28 लाख फार्मर्स, मतलब 28 लाख किसानों को मोबाइल स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे, ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन बी झारखंड, ठीक है, झारखंड स्टेट ने ये ऑर्डर दिया, मतलब ऑर्डर किया उनको ये स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। अब ये दिए क्यों जाएंगे, बिकॉज ताकि वो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के साथ जुड़ पाएँ, किसान जुड़ पाएँ, उनको पता चल पाए कि क्या चल क्या रहा है मार्केट में, इसलिए दिया गया, नॉट फॉर यूजिंग व्हाट्सएप एंड यूट्यूब, ठीक है, तो उनको इसलिए दिया गया ताकि वो लिंक कर पाएँ मार्केट के साथ, लिंक हो पाएँ, जान पाएँ कि क्या चीज़ें क्या डिमांड क्या चल रही है, ताकि उनकी भी इनकम बढ़े, बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव है। एंड ये इंपॉर्टेंट आप याद रख लो कि कौन सी स्टेट है, झारखंड है, एंड झारखंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, झारखंड की जो कैपिटल है रांची, एंड वहाँ के जो सीएम है रघुवर दास, एंड वहाँ के जो गवर्नर है द्रौपदी म्यूरिन, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन LNT मुंबई ओपन 2018 इन सिंगल्स कैटेगरी, ये मुंबई में आयोजित किया गया था, तो यही आपको बताना है कि ये किसने जीता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। वुमेन टेनिस एसोसिएशन का खिताब 2018 का मुंबई ओपन ये जीता जी लुकिसिका खुमखुम ने, ठीक है, देखो कितना मुश्किल नाम है, लुकिसिका खुमखुम ने जीता, ठीक है, इन्होंने हराया किसको, इन्होंने हराया जी इरीना खरो मैचेवा को, ठीक है, तो आप इनको एक बारी देखोगे एक बारी पढ़ोगे तो फॉर लाइफ टाइम श्योरली आप इसे भूलोगे नहीं, ठीक है, तो इन्होंने इनको हराया, एंड यही चीज़ आपको ये याद रखनी है, सिंपल सा है, तो आप याद रख लो, ठीक है। एंड ये कहाँ की हैं जो विनर हैं, लुकिसिका खुमखुम ये हैं जी थाईलैंड की, ओके ओके, एंड थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, एंड वहाँ की करेंसी बेहद, ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट फार्मूला वन रेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अप्रैल 2020, ठीक है, तो कोई कंट्री है पहली बार ये फार्मूला वन रेसिंग का मतलब होस्ट करेगी, तो कौन सी कंट्री है ये आपको बताना था इस क्वेश्चन में। इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी वियतनाम, ठीक है, वियतनाम फर्स्ट टाइम इसे होस्ट करेगी 2020 की जो अप्रैल में होगी। एंड अबाउट वियतनाम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रख लो, वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई एंड वहाँ की जो करेंसी है डोंग, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल हेल्प बांग्लादेश इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 560 मॉस्क्यूज एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो 560 मस्जिदें एंड विश्वविद्यालय बनाएगा बांग्लादेश, तो कोई कंट्री बतानी है कि मतलब वो कंट्री उसको हेल्प करेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, तो कौन सी कंट्री हेल्प करेगी, वो करेगी जी सऊदी अरबिया, ठीक है, सऊदी अरबिया हेल्प करेगी बांग्लादेश की, ठीक है। अब इसके रिलेटेड इतना तो आप याद रख लो कौन सी कंट्री हेल्प करेगी, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट बांग्लादेश एंड सऊदी अरबिया, ठीक है, देखो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका ये सबको पता ही होगा, ठीक है, वहाँ की करेंसी टाका, प्रेजिडेंट है अब्दुल हामिद एंड वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना, ये चीज़ याद रखनी है। एंड उसके बाद हमारा आया जी सऊदी अरबिया के में जो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जी, वहाँ की कैपिटल है वो है रियाद एंड वहाँ की जो करेंसी है वो है सऊदी रियाद, तो इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच मिलियन डॉलर्स विद रशिया टू बाय टू अपग्रेडेड
क्रीवैक 3, ठीक है, क्रीवैक 3 वॉकशिप खरीदेगी, ठीक है। तो इंडिया का ये एग्रीमेंट साइन हुआ रशिया के साथ, तो कितने मिलियन डॉलर का ये एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर क्रीवैक 3। आप ये वॉकशिप का नाम जरूर याद रखें, क्रीवैक 3, ठीक है। तो कितने मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट साइन हुआ, ये हुआ जी ऑप्शन ए 550 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ठीक है। एंड बात आई इसमें रशिया के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरे वीडियोस डेली देख रहे हो अब आपको ये याद हो गया होगा एंड फॉर लाइफ टाइम ज़रूर याद हो गया होगा, ठीक है। अबाउट रशिया, रशिया की जो कैपिटल है वो जी मॉस्को, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुटिन, ठीक है, वहाँ की करेंसी है रूबल एंड वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी फ्रॉम दिस क्वेश्चन। देखो ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया एंड इसे इंटरेस्ट मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मतलब हमें ये करंट अफेयर जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बर्डन बन जाता है इसको हम थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में करें, ताकि हमें ये करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब आ गया जी हमारा इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन। आज मैंने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लिए हैं, ठीक है, इनके आंसर्स आपको मुझे बताने हैं, आंसर कैसे बताने हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है इसका वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। ऐसे ही वन बाय वन जितने भी आठ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में मैंने आज लिया, तो अब आपको इनके आंसर्स बताने। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको बताने कांडला पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। देन सेकंड जो आपका है नावाशेवा एयरपोर्ट कौन सी स्टेट में है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए विच स्टेट हाउसेज मार्मागो पोर्ट है, मार्मागो पोर्ट कहाँ पे है ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए देन इसके आंसर्स बताइए, ठीक है। देन फोर्थ है पनंबर पोर्ट कहाँ पे है, पनंबर पोर्ट है, ठीक है, ये आपको बताना है पनंबर पोर्ट कहाँ पे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वियाज पोर्ट कहाँ पे, विजाज पोर्ट, ठीक है, विजाज पोर्ट है, विजाज पोर्ट इसका नाम है, तो ये कौन से स्टेट में है। देन हमारा सिक्स्थ है विच स्टेट हाउस मतलब पैराडीप पोर्ट कहाँ पे, ये आपको बताना है पैराडीप पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। देन हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है, इनके आंसर्स बताने हैं आपको हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। देन हमारा एट्थ क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन टूटीकोरिन कहाँ पे है, ठीक है, टूटीकोरिन पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आगे देखो मेरा एक्चुअली मैं जीके सीरीज भी स्टार्ट करने चाहता हूँ बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन डेली ले रहा हूँ, ताकि आपका कुछ ना कुछ डेली इंपॉर्टेंट हमारा स्टैटिक पोर्शन जितना भी है डेली समथिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमारा इससे रिवाइज हो ही रहा है। तो इनके आंसर्स बताइए, ठीक है। अब मैंने जो आपसे कल पूछे थे अबाउट जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे, ठीक है, कल जो मैंने आपसे पूछे थे इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट ने इनके आंसर्स किए थे और मैं इनके आंसर्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको ये हर दिन यही करेंगे जो मैं आज क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ इनके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा, ताकि आप इसका एक बार ही तो आप खुद आंसर्स देंगे देन उसके बाद आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, ये है जी मेघालय में, ओके। सेकंड है जी सुंदरबन कहाँ पे था, ये वेस्ट बंगाल में, इसके आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, आप पीडीएफ से डाउनलोड भी कर सकते हो, उस पर ऑलरेडी आंसर्स मार्क्ड होंगे, ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स भी आप उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अगस्त्यमलाई ये कहाँ पे है, तो ये है जी केरल तमिलनाडु में। फोर्थ वन था जी गुल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे था, ये जी तमिलनाडु में। देन कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये है जी सिक्किम में। देन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ पे है, उत्तराखंड में। देन सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में। एंड उसके बाद शीशाचलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। आप खुद से कर लेना, ठीक है, ये रिवीजन चल रहा है इसलिए मैं स्पीड में भी कर रहा हूँ। देन दिहांग दिबोई ये कहाँ पे, दिहांग दिबंग कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में। एंड लास्ट क्वेश्चन था ग्रेट रैन ऑफ कच्छ कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आ गए आज के हमारा आज के वीडियो में, फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा। देखो वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर कर दिया करो, उससे मुझे पता चल जाता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे एंड और इससे भी बेटर करने की कोशिश करूँगा डे बाय, ठीक है। एंड इसे शेयर करा करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ें एंड इसका बेनिफिट उठा पाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो एंड इसे रिवाइज कर सकते हो। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आज, मतलब आज, ठीक है, तो रात को 9 बजे जून मंथ के करंट अफेयर का लाइव क्यूज आने वाला है, तो सारे प्रिपेयर रहें। कल शाम को ही मैंने वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने टाइमिंग्स पूरा शेड्यूल आपके साथ शेयर किया, तो उसका डिस्क्रिप्शन से कल के वीडियो में डिस्क्रिप्शन से लिंक्स डाउनलोड कर लें एंड जून मंथ के करंट अफेयर्स पहले आप खुद रिवाइज कर लें। देन रात को 9 बजे, ठीक है, लाइव क्यूज होगा, जितने भी स्टूडेंट वॉच करें जरूर आएँ, विजिट करें, तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का लाइव टेस्ट होगा, पहले आप खुद रिवाइज कर लिए जैन उसका क्यूज अटेम्प्ट कीजिए एज ए फॉर्म ऑफ टेस्ट, ताकि आपको खुद भी पता चले कि आप लोगों को कितना याद रहा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।